इंडिया ने एक नया इंडिजिनस मिसाइल टेस्ट किया है। इसका नाम है NGARM। ये DRDO डेवलप कर रहा है। अभी इसका पहला टेस्ट हुआ है और ये टेस्ट ओडिशा के कोस्ट में हुआ था विद सुखोई 30 MKI। अब इसके बारे में ये जान लो कि NGARM की फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि रेडिएशन मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होता है, कि मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक हो गया, रेडिएशन फैल गया, उस रेडिएशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम एक और मिसाइल लागेंगे यहाँ पे। नहीं, ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब का रेडिएशन होता है ना, उसकी हम बात नहीं कर रहे। ये अभी मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। अभी थोड़े और जो बेसिक्स हैं वो समझ लो, अभी आपको पूरी कहानी बताऊंगा इसकी। नाउ ये जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है NGARM, इसकी स्ट्राइक रेंज है 100 किलोमीटर, जो काफी हद तक कम है। DRDO आने वाले समय में इसको 125 किलोमीटर तक लाने की कोशिश करेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह बताना चाहिए कि यह पहला इंडिजिनियस एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। मिसाइल आपको बताया बहुत टाइप की हो सकती हैं। अगर ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल है, मतलब कि जमीन से लॉन्च होता है किसी लॉन्चर से और उसके बाद जमीन में ही टारगेट को अटैक करता है। फिर होता है एयर टू ग्राउंड मिसाइल। एयर टू ग्राउंड मतलब कि किसी एयरक्राफ्ट में ये इंस्टॉल होगा, वहां पे लैस होगा और वहां से ये अटैक करेगा जमीन में। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूँ कि एंटी रेडिएशन मिसाइल होता क्या है और आज के टाइम में दुनिया भर के देश इसको क्यों डेवलप कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। आपको ये समझना होगा कि जो वॉरफेयर है, जंग की साइंस अपने आप में, ये एक कैट एंड माउस गेम होता है, चूहे बिल्ली का खेल होता है। और यहाँ पे हमेशा चेस करना होता है। एक नई टेक्नोलॉजी आई, उसका तोड़ निकला, फिर उसका तोड़ निकला। वर्ल्ड वॉर वन में दुनिया ने पहली बार देखा जब एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया गया युद्ध में। अब जब एयरक्राफ्ट एक इतना बढ़िया साधन था दुश्मन को नुकसान पहुंचाने का, आप इमेजिन कर सकते हैं जब पहली बार इसको यूज़ किया होगा तो एनिमीज के माइंड में क्या खौफ फैला होगा कि आसमान से एक विमान आएगा, वो बम बरसा के चला जाएगा, उसको आप कुछ कर भी नहीं सकते, उसको आप गोली नहीं मार सकते, वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो उसके बाद साइंस और डेवलप हुई और जो एयरक्राफ्ट्स है इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए या इनको रोकने के लिए रेडार और एंटी एयरक्राफ्ट गन बनाई गई, जिनका एग्जाम्पल आपके सामने है। यह आपके सामने एक रेडार है और यह आपके सामने उदाहरण है एक एंटी एयरक्राफ्ट गन का। अब देखो, रेडार क्या करता है, बताता है कि विमान कहाँ से आ रहा है। रेडार की रेंज काफ़ी बड़ी होती है। अगर विमान वहाँ पे आ गया तो रेडार पता लगा लेगा कि विमान आ रहा है और उस पर अटैक किया जा सकता है। नाउ अब उस विमान पे अटैक आप कैसे करते हैं वो आपकी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। वर्ल्ड वॉर टू में हमने देखा था कि एंटी एयरक्राफ्ट गन होती थी, मतलब कि रेडार संकेत देता था कि विमान कहाँ से आ रहा है, फिर इस एंटी एयरक्राफ्ट गन से शूट करके विमान को गिराने की कोशिश की जाती थी। आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और भी वेरियस मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ रहे हैं जहां पर वो रेडार से कनेक्टेड होते हैं। रेडार उनको कम्प्लीटली गाइड करता है कि टारगेट कहां पर है और उनसे एक मिसाइल निकलता है और वो मिसाइल एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर ही देता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो कैट एंड माउस गेम है उसमें आज के टाइम में ग्राउंड बेस्ड इक्विपमेंट इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी यूटिलिटी कुछ हद तक कम भी हो जाती है अगर हम लार्ज स्केल इन्वेजन की बात करें। नाउ कुछ कंट्रीज ने इसका भी तोड़ निकाला है। फॉर एग्जांपल, USA ने स्टेल्थ बॉम्बर बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। स्टेल्थ बॉम्बर को रेडार को डिटेक्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मगर फिर भी कुछ हद तक अगर रेडार काफ़ी सेंसिटिव है तो उसे डिटेक्ट कर भी सकता है। उसके अलावा स्टेल्थ बॉम्बर को बनाने में खर्चा बहुत ही ज़्यादा आता है, रिसोर्सेज काफ़ी खर्च होते हैं। तो एक टेक्नोलॉजी यहाँ पर सोची गई कि क्यों ना एक ऐसा मिसाइल बनाया जाए जो रेडार को डिस्ट्रॉय कर ले, क्योंकि अगर रेडार डिस्ट्रॉय हो गया तो एंटी एयरक्राफ्ट गन जो मिसाइल है वो दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। आसमान इतना बड़ा होता है, विमान के पास, एक एयरक्राफ्ट के पास बहुत सी ऑप्शंस होती है, किसी भी दिशा से वो अटैक कर सकता है। अगर आपके पास रेडार नहीं है तो वहाँ पर एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करना एक बहुत ही ज़रा मुश्किल कार्य हो जाता है। तो जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है वो रेडिएशन, जो न्यूक्लियर बॉम्ब का रेडिएशन होता है, उसके लिए नहीं है। वो बेसिकली रेडार से जो वेव्स निकलती है उसको डिटेक्ट करता है, उसको एक तरीके से आइडेंटिफाई करता है और फिर उस रेडार को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि एयरक्राफ्ट के लिए रास्ता साफ हो जाए और वो आगे अटैक कर सके। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो रेडिएशन है ये न्यूक्लियर मिसाइल का रेडिएशन नहीं है, इट इज़ द रेडिएशन दैट कम्स फ्रॉम अ रेडार, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इसके भी टाइप्स होते हैं, रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स, तो डिपेंड करता है कि हम किसकी यहाँ पे बात करें, रेडार किस टाइप का है।
अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा कि ठीक है, तो मान लो ये रेडार है, इसका ये यहाँ पे दायरा हो गया, यहाँ पर ये वेव्स फेंक रहा है। रेडार काम कैसे करता है? वेव्स हर जगह फेंकता रहता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रास्ते में आ गया, वो वेव से टकराएगा और सिमिलरली रेडार को पता लग जाएगा कि वहाँ पे कुछ हलचल हुई है, और जो भी मिसाइल्स हैं वहाँ पे वो बता देगा कि वहाँ पे कुछ हो रहा है, वहाँ से कुछ आ रहा है, कुछ ऑब्जेक्ट है वहाँ पे। नाउ यहाँ पे हमको समझना होगा कि प्रॉब्लम एक थोड़ी बहुत एग्जिस्ट करती है कि इस एंटी रेडिएशन मिसाइल को आप अगर लॉन्च करते हैं तो रेडार को इसके बारे में पता लग जाएगा, मगर जब एक बार वहाँ पे ये मिसाइल दाग दिया जाता है तो बहुत ही कम टाइम मिलता है रेडार पे लोगों को, या फिर इवन रेडार को कुछ करने का। ज़्यादातर ये मिसाइल रेडार को डिस्ट्रॉय कर ही देता है। कुछ इंस्टेंसेस देखे गए हैं जब इस मिसाइल को रोकने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल डिप्लॉय किए गए, मगर वो लक पे डिपेंड करता है। इट रियली डिपेंड्स के ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन क्या है, मगर ज़्यादातर जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है दे डू गेट द जॉब डन। और यूएसए भी इसको यूज़ करता है। यूएसए के पास है HARM मिसाइल। ये यूएसए का प्रीमियर एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिससे कोई भी अगर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है उसे ये डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। मैं अगेन ये रिपीट करूँगा, कोशिश होती है, कोई भी 100% फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी आपको नहीं मिलेगी। तो जो इंडिया का NGARM है, ये बेसिकली रेडार की जो फ्रीक्वेंसी है, जो वहाँ पे रेडिएशन एमिट हो रही है, उसको पकड़ लेगा, फिर सीधा लॉक कर लेगा टारगेट को और वहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसकी मदद से हम अपने एनिमी का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं, जो वहाँ पे डिफेंस फैसिलिटीज़ हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं अग्रेसिव ऑफेंसिव मिसाइल है। ये काफ़ी हद तक जब आप इन्वेजन या फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो इस्तेमाल किया जाता है। नाउ DRDO का जो एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम है, ये काफ़ी लंबे टाइम से डेवलप हो रहा है। 2012 में इसको डेवलप करने की कोशिश करी गई थी, अभी भी बात चली रही है, इस पर डेवलपमेंट हो ही रही है। 2019 में इसका पहला टेस्ट हुआ है, टेस्ट सक्सेसफुल था। आने वाले समय में हो सकता है कि 3-4 और ये टेस्ट करें और फिर 2020 या 21 के बीच में इसको फाइनली इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट भी किया जा सकता है। ये आपके सामने लिस्ट है इंटरनेशनल मिसाइल्स के, जो इसी थ्योरी पे काम करते हैं कि रेडार को डिस्ट्रॉय कर लो। ये है KS-31, ये रशिया का मिसाइल है। फिर चाइना के पास एक बहुत अच्छा मिसाइल है YJ-91, इसके जो टेस्ट हैं ये भी कंप्लीट हो चुके हैं। और ऑफ कोर्स यूएसए के पास AGM-88 HARM है ही, वर्ल्ड फेमस मिसाइल है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के इंडिया ने यूएसए से ये मिसाइल खरीदा नहीं है, हम अपना खुद का यहाँ पे मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर ब्रिटेन के पास भी है ये, और इवन ब्राज़ील का भी एक ARM प्रोजेक्ट चल रहा है। अब एक क्वेश्चन सामने आता है कि ठीक है, हम ये मिसाइल बना रहे हैं, मगर इसे इतनी जल्दी से डेवलप क्यों किया जा रहा है? देखिए, इसका रीज़न है, चाइना ने इंडियन बॉर्डर के करीब बहुत से अनमैंड रेडार बना रखे हैं। अनमैंड मतलब कि वहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, वो रेडार ज़्यादातर अंडरग्राउंड या फिर किसी बंकर में छुपे होते हैं, और उससे एक बहुत ही बड़े एरिया को आप मॉनिटर कर सकते हैं। अगर वहाँ पे इंडिया कुछ करने की कोशिश करता है तो चाइना को इमिडिएटली उसके बारे में पता लग जाएगा। तो जो ये रेडार सिस्टम्स हैं, ये चाइना को बहुत ज़्यादा डिफेंस देते हैं, और एज दे से डिफेंस समटाइम्स इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ अटैक। अगर आपका डिफेंस पक्का हो तो ही आप अटैक कर सकते हैं। तो इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि चाइना के जो भी यहाँ पे अनमैन रेडार हैं, इसका तोड़ ढूंढा जाए, और जो मिसाइल हम डेवलप कर रहे हैं ये इसका तोड़ ही है। तो अभी के लिए चाइना ने ये यहाँ पे जो अक्साई चेन रीजन है उसके आसपास, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के पास भी बहुत सारे अनमैन रेडार्स यहाँ पे बना रखे हैं। तो ये जो मिसाइल्स जब डेवलप होंगे, इजीली इनको टारगेट कर सकते हैं, और उसके बाद ये एक ओपन फील्ड हो जाएगा। और इंडिया, अगर मान लो इंडिया को अगर कहीं पे चांस मिलता है एडवांस करने का, तो चाइनीज़ टेरिटरी में भी एडवांस कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे एयरक्राफ्ट्स अटैक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का, इस मिसाइल का। इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर UPSC प्रीलिम्स 2019। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।